दुर्ग रेलवे स्टेशन में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 100 फीट ऊंचे तिरंगे का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर सांसद विजय बघेल, सांसद सरोज पांडे समेत विधायक अरुण वोरा विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कुछ इस तरह से बताया। आज इस राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बधाई है, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। हमारा राष्ट्र मजबूत नेतृत्व में आगे बढ़े, हम सब ये कामना करते हैं। और हम सबके लिए यह हर्ष का विषय है कि दुर्ग स्टेशन पर हमारे राष्ट्रीय गर्व का, शौर्य का, आन बान शान का हमारा प्रतीक तिरंगा आज लहरा रहा है। और जिस प्रकार की हम सब लोगों ने एक कल्पना की थी, वो कल्पना आज पूरी हुई है। दुर्ग शहर को एक विशेष स्थान मिले और दुर्ग स्टेशन को भी पूरे देश में एक स्थान मिले, हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं। उसमें एक बड़ा प्रोजेक्ट है। मैं यहाँ के सभी अधिकारियों को भी इस बात के लिए बधाई देती हूँ कि उन्होंने बहुत कम समय पर इस, जबकि पूरे देश में एक आपदा है, इस आपदा काल में भी उन्होंने अपने सीमित संसाधनों में बेहतर व्यवस्था करी। मैं उनको बधाई देते हुए देशवासियों को एक बार फिर से देखिए, अभी ये रेलवे डिपार्टमेंट का एक महाअभियान चल रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी का ये निर्देश है और माननीय हमारे रेल मंत्री पीयूष गोयल जी का एक संकल्प है कि हर स्टेशन में ये बड़ा तिरंगा झंडा लगे, भव्य तिरंगा झंडा लगे, ताकि हम सब तिरंगे झंडे के नीचे खड़ा होकर ये संकल्प ले सके कि भारतवर्ष की अखंडता और एकता के लिए हम सब एक हैं। रेलवे स्टेशन में जिस तरह अनेक समुदाय, अनेक जाति, अनेक संप्रदाय के लोग आते हैं, वो हजारों लोग रोज आवागमन करते हैं, उनको ये तिरंगा झंडा देखकर अपने मन में राष्ट्र प्रेम और देशहित की भावना जागृत हो, उसके लिए ये एक योजना है। और आज हमारा सौभाग्य कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी के अथक प्रयास से, उनके आशीर्वाद से हमारे दुर्ग के रेलवे स्टेशन में भी भव्य तिरंगा झंडा फहराया। और आज तो बड़ा शुभ दिन है, 15 अगस्त का शुभ दिन है, स्वतंत्रता दिवस की सबको ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और इस तिरंगे झंडे का जो उद्घाटन हुआ, उसके लिए समस्त हमारे लोकसभा के क्षेत्रवासियों को अपनी ओर से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ।